वेलकम टू माय चैनल। और आज मुस्लिम सर्जन आज के नए रेट के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बर मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सबसे पहले बात करते हैं चना की। चना सरगोधा में 6700 रुपये पर मन, चना सरगोधा में 6700 रुपये पर मन। फैसलाबाद में चने का रेट है 6400 से लेकर 6450 रुपये पर मन। फैसलाबाद में चने का रेट है 6400 से लेकर 6450 रुपये पर मन। मुल्तान में चने का रेट है 6500 रुपये पर मन, मुल्तान में चने का रेट है 6500 रुपये पर मन। ऑस्ट्रेलियन चने का रेट है 155 रुपये से लेकर 156 रुपये पर केजी। ऑस्ट्रेलियन चने का रेट है 155 रुपये से लेकर 156 रुपये पर केजी। चने के बाद बात करते हैं ग्वारा की। ग्वारा 9300 से लेकर 9600 रुपये, ग्वारा 9300 से लेकर 9600 रुपये। मिल पास का रेट है 100 किलो की बोरी का रेट है। इसके बाद बात करते हैं मूंग की। मूंग फैसलाबाद में 6200 से लेकर 6300 रुपये पर मन, मूंग फैसलाबाद में 6200 से लेकर 6300 रुपये पर मन। सरगोधा में मूंग का रेट है 6000 से लेकर 6100 रुपये पर मन, सरगोधा में मूंग का रेट है 6000 से लेकर 6100 रुपये पर मन। हैदराबाद में मूंग का रेट है 6100 रुपये पर मन, हैदराबाद में मूंग का रेट है 6100 रुपये पर मन। नई मूंग का हैदराबाद में रेट है 6200 रुपये पर मन। इसके बाद बात करते हैं बाजरे की। बाजरा मुल्तान में 2250 रुपये पर मन, बाजरा मुल्तान में 2250 रुपये पर मन। फैसलाबाद में बाजरे का रेट है 2250 रुपये पर मन, लाहौर में बाजरे का रेट है 2275 रुपये पर मन। सरगोधा में बाजरे का रेट है 2250 रुपये पर मन। रावलपिंडी में बाजरे का रेट है 2300 रुपये पर मन, रावलपिंडी में बाजरे का रेट है 2300 रुपये पर मन। हैदराबाद में बाजरे की 100 किलो की बोरी का रेट है, वहाँ बाजरे की 100 किलो की बोरी का रेट है 5800 रुपये। हैदराबाद में बाजरे की 100 किलो की बोरी का रेट है 5800 रुपये। कराची में बाजरे की 100 किलो की बोरी का रेट है 5850 रुपये, कराची में बाजरे की 100 किलो की बोरी का रेट है 5850 रुपये। ये थे आज के मुख्तलिफ ज़रई अजनास के रेट्स। याद रहे कि मार्केट के अंदर दिन को रात में भी अप एंड डाउन आता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है, और मार्केट टू मार्केट भी रेट वेरी करते हैं, बदलते रहते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है। और जो रेट्स होते हैं वो माल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जैसा माल होगा वैसे रेट्स होंगे। अगर माल अच्छा होगा तो रेट यकीनी तौर पर अच्छे लगेंगे, अगर माल के अंदर कमी पेशी होगी तो रेट यकीनी तौर पर नीचे आएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।